जेस्ट मनी एप्लीकेशन पर आपको जितनी लिमिट मिलती है उतनी की उतनी लिमिट को आप अमेजोन पे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसमें आपको एक रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप मेरा अमेजोन पे वॉलेट बैलेंस देख सकते हैं, अभी 1235 रुपए है, लेकिन जैसे ही मैं 20,000 रुपए जेस्ट मनी से अमेजोन पे वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा तो मेरा बैलेंस हो जाएगा 21,235। जेस्ट मनी ऐप पर आपको क्रेडिट कार्ड की तरह ही लिमिट मिलती है और इस लिमिट का यूज आप शॉपिंग करने, बिजली का बिल भरने और अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ई वाउचर परचेज करने में कर सकते हैं। ऐप की होम स्क्रीन पर आपको अमेजोन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला है गो टू अमेजोन, इस पर क्लिक करके आप अमेजोन से शॉपिंग कर सकते हैं, और दूसरा है क्रिएट वाउचर, इस पर क्लिक करके आप अमेजोन के गिफ्ट कार्ड परचेज कर सकते हैं। मुझे अमेजोन के गिफ्ट कार्ड परचेज करने हैं तो मैं क्रिएट वाउचर पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं बफरिंग हो रही है, लेकिन आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है, जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट होगी उतने के ही आप वाउचर खरीद पाओगे। मुझे 20,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं तो मैं यहाँ पर अमाउंट में 20,000 डाल देता हूँ। अब आपको EMI प्लान सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट EMI प्लान पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिसकी मदद से आपको एक रुपया भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, यानी आप जितने के वाउचर उठा रहे हैं उतने ही आपको पे करने पड़ेंगे। स्क्रीन पर आपको दो EMI प्लान दिख रहे हैं, इनमें से एक EMI प्लान आपको चूज करना है। जो पहला प्लान है ये 3 मंथ प्लान है और इसके ऊपर लिखा हुआ है नो कॉस्ट, यानी इसमें आपको एक रुपया भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। इस प्लान की तीनों किस्तें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका टोटल होता है 20,869 रुपए। ये जो 869 रुपए आपको इंटरेस्ट लग रहा है ये आपको कैश बैक के रूप में आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर अमाउंट ब्रेकअप भी देख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, इंटरेस्ट लग रहा है 868.15 रुपए और अपने को कैश बैक मिलेगा 868.15 रुपए। EMI प्लान आपने देख लिया है, अब मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। अब मैं कंफर्म परचेज पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है आपको जनरेट वाउचर पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं वाउचर अप्रूव हो चुके हैं, अब आपको गेट वाउचर पर क्लिक करना है। ये वाउचर या तो मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर जेस्ट मनी की तरफ से भेज दिए जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वाउचर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जीमेल ओपन करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास एक मेल आया है, गिफ्ट कार्ड इज रेडी फॉर यूज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 10,000 के दो अमेजोन के ई वाउचर प्राप्त हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों गिफ्ट कार्ड को अमेजोन पे वॉलेट में रिडीम करते हैं। आप मेरा अमेजोन पे बैलेंस देख सकते हैं 1235 है, इसी बैलेंस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने स्क्रीन पर एड मनी का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर आपको एड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको गिफ्ट आईडी डालनी है। आपके पास जो मेल आया है वहाँ से आप गिफ्ट आईडी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आपको वो मेल फिर से ओपन करनी है और आपको गिफ्ट आईडी कॉपी कर लेनी है। अब आपको अमेजोन पे वॉलेट ओपन करना है और यहाँ पर गिफ्ट आईडी पेस्ट कर देनी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10,000 रुपए अमेजोन पे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। अब आपको फिर से मेल ओपन करनी है और दूसरी गिफ्ट आईडी को कॉपी कर लेना है। इस गिफ्ट आईडी को भी सेम उसी तरह अमेजोन पे वॉलेट में पेस्ट करके एड टू योर बैलेंस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं 10,000 रुपए फिर से अमेजोन पे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको मेरा अमेजोन पे बैलेंस दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा बैलेंस 21,235 हो चुका है। जेस्ट मनी की तरफ से व्हाट्सएप पर भी एक मैसेज किया जाता है जिसमें आपको गिफ्ट आईडी भेज दी जाती है। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, जेस्ट मनी पर जो भी क्रेडिट लाइन दी जाती है वो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ग्रुप की तरफ से दी जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जेस्ट मनी में मेरा बैलेंस 3,130 ही बचा है। परचेज सेक्शन में जाकर आप अपनी EMI देख सकते हैं। EMI सेक्शन में आप अपनी EMI देख सकते हैं और पे नाउ पर क्लिक करके इसे पे कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित यदि कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।